दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि YouTube चैनल को वेरीफाई कैसे किया जाता है। दोस्तों YouTube चैनल बना रखे हैं आप, अगर आप अपने YouTube चैनल पे वीडियो वगैरह अपलोड करना चाहते हैं और वीडियो के अंदर थंबनेल वगैरह का यूज करना चाहते हैं, तो दोस्तों बिना वेरीफाई चैनल को किए आप थंबनेल अपलोड नहीं कर सकते, यानी कि थंबनेल लगा नहीं सकते। तो दोस्तों अपने YouTube चैनल को वेरीफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही बहुत सा चीज़ इनेबल हो पाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि YouTube चैनल को वेरीफाई कैसे किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए, आप आसानी से समझ जाएं कि YouTube चैनल को वेरीफाई कैसे किया जाता है। दोस्तों मेरा नाम है अमित, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेक मास्टर ग्रोथ में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे YouTube चैनल को वेरीफाई करते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम एक ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, और जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ, और दोस्तों यहाँ पर सर्च बार में हम इंटर करेंगे YouTube.com। और जैसे ही दोस्तों YouTube.com यहाँ पर लिख के सर्च करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करनी है, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में आपको 3 डॉट मिलेगा राइट साइड में, सिंपली आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 3 डॉट पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, और इसे यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में आपका डेस्कटॉप साइट लिखा होगा, तो डेस्कटॉप साइट पे हम टिक लगा दें, यानी कि इस तरह से करने से आपका कंप्यूटर की तरह आपका यहाँ पेज ओपन होगा। तो डेस्कटॉप साइट पे हम टिक लगा लेते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपका चैनल का लोगो शो होगा, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ बड़ा करके मैं यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं आप चैनल का लोगो यहाँ पे, जो आपका चैनल का लोगो यहाँ पे शो होगा। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और जैसे ही दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा मिलेगा यूट्यूब स्टूडियो। अब सिंपली दोस्तों यूट्यूब स्टूडियो पर हम क्लिक करते हैं, और जैसे ही दोस्तों यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में आपको लेफ्ट साइड में सबसे नीचे में आपको लिखा मिलेगा सेटिंग का आइकन बना मिलेगा, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ बड़ा करके, और यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाता हूँ 3 लाइन पे टच करके। जैसे ही 3 लाइन पे टच करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे नीचे में यहाँ पे सेटिंग का आइकन मिलेगा। अब सिंपली हम सेटिंग के आइकन पर क्लिक करते हैं, और जैसे ही दोस्तों सेटिंग पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन होगा, और यहाँ पर सिंपली हम दोस्तों चैनल पे जाएंगे और चैनल पर हम क्लिक करेंगे, और जैसे दोस्तों चैनल पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का यहाँ पेज ओपन होगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करनी है, जैसे कि दिखा देता हूँ मैं बड़ा करके, यहाँ पे जैसे चैनल पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे फीचर एलिजिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा। अब सिंपली दोस्तों देख सकते हैं फीचर एलिजिबिलिटी का, अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, और जैसे ही दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे नीचे में आपको लिखा मिलेगा स्टेटस एंड फीचर्स, अब इस पर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे ही दोस्तों क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं YouTube की तरफ से आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा। अब जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं मेरा यहाँ पे चैनल यहाँ पे वेरीफाई पहले से हो चुका है। दोस्तों वेरीफाई होने का मतलब है कि जैसे ही वेरीफाई आपका हो चुका रहेगा तो आपका यहाँ पर टिक लगा रहेगा और लिखा रहेगा वेरीफाइड। तो जैसे ही दोस्तों आप वेरीफाई करते हैं यहाँ पर टिक ऑलरेडी लग जाएगा। अब जैसे कि दोस्तों आप चैनल को अपना वेरीफाई करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर लिखा रहेगा चैनल वेरीफाई, और चैनल वेरीफाई को दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए बोला जाएगा, और जैसे ही दोस्तों अपना मोबाइल नंबर इंटर करते हैं आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, और उस OTP को वहाँ पर इंटर कर लेते हैं, तो OTP को इंटर करते हैं तो आपका चैनल ऑलरेडी वेरीफाई हो जाएगा। हालाँकि दोस्तों मेरे यहाँ पर चैनल वेरीफाई हो रखा है इस तरह से, इस कारण से मैं नहीं कर सकता हूँ। तो आप चाहें तो वेरीफाई करने के लिए तो यहाँ पर लिखा रहेगा वेरीफाई चैनल, उस पर क्लिक करते हैं और फिर अपना जो भी मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर को इंटर करते हैं, तो मोबाइल नंबर पर फिर OTP जाएगा, और उस OTP को वहाँ पर इंटर कर देंगे यानी कि सबमिट कर देंगे, तो आपका चैनल वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप चैनल चाहें तो अपने चैनल को वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। सो थैंक्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।